मैम कोई से होगा यार भाई पाकिस्तान इस टाइम जो है बांग्लादेश के साथ ज्यादा कर रहा है, मैच जीत ही जाएगा होपफुली। ये लड़का जो है ना ये मुझे सुकून नहीं लेने देता। मैं आराम से बैठ रहा था, अपना काम खत्म किया और ये भाई साहब को भूख लग गई, सब भी उठ गए हुए हैं। मैं तो उठा भाई था और यहाँ पे मैरोनिसा का जरा ट्रीटमेंट चलने लगा हुआ था। दो तीन टायरों में हवा भर ली है मगर वो पिछले वाला जो है ना वो फ्लैट है। पेट्रोल अभी जो है ना भरवा के लाया है। ये भाई साहब ही गया हुआ था कि ये जो है ना इसमें डाला जाए, वैसे 3 लीटर पहले डाला है और ये 3 लीटर हो जाएगा तो तकरीबन जो है ना गुजारा हो जाएगा। 6 लीटर जो है ना मेरान में आ ही जाएगा मुझे लगता है। वैसे ही टोटल मेरान की जो टंकी होगी वो 20 को लीटर तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वहाँ पर आप दूसरी साइड पर जो है ना हवा भरने के लिए लगेंगे। अब देखते हैं कि फुल होती है कि नहीं होती। तामिशीरी मेरान के अंदर जो है ना स्टीम डालने लगे हुए हैं, इलायची वाला शरबत। अब देखो असर पड़ता है मेरान को कि नहीं पड़ता। क्या लगता है असर पड़ेगा मेरान को? डीट है, पड़ जाएगा। मतलब इंट्रो तो मैं यार करना ही भूल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फाउंडेशन। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला के रहमत करम से हूँ। स्मोक शुरू हो गई है लाहौर में और ये तभी होता है जब जो है बारिशें नहीं हो रही होती है और साथ में जो है ना जब आलूदगी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए और एयर क्वालिटी अच्छी ना हो, तब ये जो है ना सिनेरियो बनता है। खैर अभी 1 बजे हमारी क्लास है मगर अभी जो है अच्छा खासा टाइम है, 1 घंटा रहता है तो बस यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे क्योंकि 10 बजे मैं उठ गया था। आजकल जो है सुबह 1.5-2 घंटे जो है ऑयल लगाता हूँ सर पे, उसके बाद जो है क्योंकि असाइनमेंट्स का भी वर्कलोड है जैसे कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा, तो इस तरह की जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना आ रही होती। आज का भाई आउटफिट जो है ये पहना हुआ मैंने, सिंपल पतली सी शर्ट है क्योंकि अभी मौसम खुला था और फिर से जो है ना ख़राब होना शुरू हो गया। साथ में ग्रे पेंट है और इसी किस्म के जो है ना शूज़ कह लो, जॉगर्स कह लो, कैजुअल बहुत ज़्यादा ही जो है ना कैजुअल पड़ना जो है मैं सेमी फॉर्मल बन के जाता हूँ मगर आज जो है ना कैजुअल ही सही है। लुक भी ज़रा जो है ना डिफरेंट आती है और इसीलिए। और यूनिवर्सिटी में जो है वो कल जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे उसकी प्रेजेंटेशन भी शुरू हुई है। वो आमना वगैरह तो सुबह 8:30 बजे के गए हुए मगर आपका भाई भाई नवाब है और वो जो है आराम से ही जाएगा, उसको कोई शौक नहीं है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने का और इस तरह के सिनेरियोज़ का। अब खैर बस हम लोग निकलते हैं, 12 बज चुके हैं और पता नहीं यार बात करते करते गर्मी क्यों लगनी शुरू हो गई है एकदम। फिर जो है ना आपको हम मिलते हैं क्लास के अंदर बैठे हुए। भाई क्रिकेट मैच जो है शुरू हुआ है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का और बांग्लादेश के 3 आउट हो चुके हैं, 27 स्कोर है, 3 आउट है। फरीदी बॉलिंग करा रहा मगर ये जो है ना खड़पचड़ नेट जो है इधर मजबूस मारा वो नहीं सेट होता तो अभी ये मसले हैं मगर क्लास चल रही है। तमाशा तो चल रहा है जिंदगी में, तमाशा ये देख लो, तमाशा चल रहा है, चल रहा है भाई, चल रहा है। अच्छा ध्यान दिया सीरियस को पीछे ले गया समझ लो। मैम क्विज होगा यार तो गई है आप इस पीछे देखिए पीछे ना देखा करो यार अभी बस यार फ्री हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आज थकावट हो गई क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 6:14 हुए हैं, 4-5 मिनट पहले फ्री हुआ था मगर वहाँ से पार्किंग लॉट में आते आते टाइम लग जाता है। बाकी अपनी अपनी जिसकी ऊपर गाड़ी खड़ी है वो वहाँ पे निकल जाता है, जिसकी वहाँ पे मतलब बाइक खड़ी है वो वैसे चला जाता है। खैर हमने करना तो काम था मगर मुझे इतनी ज़्यादा थकावट है कि मैंने पूछ लिया है कि भाई अगर मैं कल कर दूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि यार पता नहीं क्या आजकल जो है वो वर्कलोड दोबारा से जो है वो शुरू हुआ है तो मेंटल पीस उस तरीके का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग रह जाते हैं और बहुत से और भी काम होते हैं। तो बस इंशाल्लाह फिर जो है ना अभी घर के लिए निकलते हैं क्योंकि 7:45 समझो हो ही जाएंगे। फिर आपसे ना घर जाके मुलाकात करते हैं, खाना भी खाते हैं, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। खैर अभी बस मैंने खाना खाया है, ये गाड़ी ना मैंने बाहर ही खड़ी कर दी थी क्योंकि एल्समिन को ना निकले हुए 3-4 दिन हो गए तो यही था कि गाड़ी भाई चलती रहे, ये ना हो कि बैटरी डेड हो जाए क्योंकि आगे 2 साल तो इसको भी लिए हुए हो गए। तो इसी वजह से जो है ना बंदा कहता है कि यार बैटरी की लाइफ का कोई अता पता कोई नहीं होता, वैसे तो साल की वारंटी देते हैं
और इन वजूहात की वजह से अभी बस खैरियत थोड़ी सी ठंडी होगी और इसको निकालते हैं बाहर और बाद में जो है ना फिर हम मैरोनिसा का टायर चेंज करेंगे। टायर भाई गाड़ी का हमने जो है ना निकाल लिया ताकि इसका जो है ना काम हो। वैसे तो जो है सेल्फ स्टार्ट वगैरह होती है, अब जो है ना इसको बाद में वॉश वगैरह भी करवाएंगे क्योंकि मौसम जो है खुल चुका है। यहाँ तो इसको निकाल देना है ताकि यार अपनी गाड़ियों की जगह बने, क्योंकि इसने बिला वजह की गाड़ी देना जगह अपनी घेरी हुई है और नीचे से फिर जो है टायर पंचर होने की वजह से जो है ना नीचे से भी सफाई नहीं हो सकती थी। ऐसे एटलीस्ट दोनों गाड़ियाँ जब बाहर निकलती हैं पोर्च क्लीन होता है और सफाई वगैरह इजीली हो जाती है, बड़े आराम से हो जाती है। तो अब इसका ना इसलिए बंदोबस्त करें ताकि अगर इसको सेल आउट भी करना है तो कोई आके जो है इसको कन्वीनियंटली ले जाएगा। बस इंजन वगैरह सारा साफ सूफ ही है, ये आ लोगों के सामने है। बैटरी इसकी नई डलवाई थी हमने क्योंकि पुरानी वाली ऑलरेडी डेड थी और गर्मियों के अंदर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई, बस खड़ी रही है। अभी रेड वाली गाड़ी इधर खड़ी हुई है, ब्लैक वाली वहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि बाबा ने अभी इसको चेंज करवाने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली जाना है क्योंकि मैंने करने हैं 2-4 काम पीछे से बैठ के, असाइनमेंट अपनी कंप्लीट करनी है, उसको ईमेल भी करना है, जिसकी वजह से जो है ना मैं नहीं जा सकता। वैसे दिल मेरा बहुत कर रहा है मगर मेरे में हिम्मत भी नहीं रहेगी कि अगर मैं चला जाऊँ तो घर आके काम करूँ, क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी होती है और बाकी भी काम करने होते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं फिर घर पर ही आऊँगा। अभी फिर देखते हैं, बाकी गेट भी बंद कर दूंगा क्योंकि रेड वाली गाड़ी इस तरह खड़ी हो जाएगी मेरी वाली, क्योंकि सुबह उस पर आना जाना होता है, बाबा ने आना भी होता है तो बहुत कम होता है, यूज़ करने होती है तो सारा दिन तो गाड़ी फिर वो इजीली निकल आती है, मैं ही लेट आता जाता हूँ तो इसलिए वो वाली ही पीछे खड़ी करूँगा मैं। भाई पाकिस्तान इस टाइम जो है बांग्लादेश के साथ ज्यादा कर रहा है, मैच जीत ही जाएगा होपफुली। आपका क्या कहना है इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और जो हमारे कैप्टन ने परफॉर्मेंस दी है आपका उस बारे में क्या कहना? लाना था उसके पैदा होने में। ये तो कुछ ज्यादा ही आपने सच नहीं बोल दिया भाई, उसके बड़े बोल उसके मुंह उसके आगे आ रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के आगे आ रहे हैं। पूरे धरती के आगे पे बैठ के कहता हम आपको फील्ड में बताएंगे, तो भाई क्या बताएगा, हम मामा अब्बा बैठे हुए क्या बोलूंगा। लंबे लंबे छक्के पड़ रहे हैं यार, थोड़ी सी निम्को भाई को भी दे दो, तुम सारा दिन घर के अंदर जो है रहते हो, वेलिया लगाते हो। काम करता हूँ खुदा की कसम, मेरा आधा दिन बाइक पे गुजरता है। खुदा क्या ऐसा काम करके आते हो तुम? मामा के बाबा का मुझे भेजते हैं, ऐसे अच्छे बाबा नहीं भेजते, बाबा का मुझे पता होता है। फिर आउट हो गए, ये देखो ना मैं इसलिए इस टीम पे बिलीव नहीं करता। ये देखो भाई सामने क्या हालात जा रहे हैं, पता नहीं अब क्या चक्कर है क्या नहीं। ओ यार ये 25 पे भी पूरी टीम आउट हो सकती है, खोल लो यार खोल लो। नहीं नहीं नहीं, ये कैमरा भी ऑन है, आप खोलो। ब्रश तुमने किया नहीं होना 3 दिनों से। मामा सूंग रहा है ये इसको, ये क्या क्या नहीं ये वाली, और मैं कहता हूँ चस आई है खुदा की कसम। हाँ मुझे थोड़ी सी निम्को दे दे, मैं तो खा लूँ। आज सारा दिन ही मंचिंग करते रहते हो। वैसे क्या खाया था सुबह मामा ने मेरे भाई को? कुछ खाना दिया था कि नहीं दिया था? खाया था, नहीं दिया था, मतलब नाश्ता नहीं दिया था मामा ने। नाश्ता करता कौन है? मैंने शॉट चौक का, ये बस यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और इनके पास की बात तो कर यार। नहीं चाचे की नहीं मैं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हम आपको फील्ड में बताएंगे। ये लड़का जो है ना ये मुझे सुकून नहीं लेने देता, मैं आराम से बैठ रहा था अपना काम ख़त्म किया और ये भाई साहब को भूख लग गई। अब भाई साहब के साथ जो है ना कुछ बाहर खाने जाने का सोच रहे हैं, ठीक है बाकी लवाई कीन अंदर ही है, जो या तो सो जाएंगे या कुछ करेंगे। 12:30 हो गए और उसको तो रोटी चाहिए ना, ये जो मुफ्त खोरा यहाँ पे है इसको तो रोटी चाहिए, इसने सुबह अपनी क्लास मिस कर दी है रोटी के चक्कर में। चल चल निकल भाई, ओए होए होए होए। अभी जो है हम जाके कोई कुछ खाने पीने का सोचते हैं, मोस्ट प्रॉबली कोई मीठी चीज़ ही खाएंगे। 12:05 हुए हैं और अभी निकलते हैं, फिर जो है बाहर कोई शुगर मेला लगेगा फिर आ लोगों को क्या सबर कर लो यार, सबर कर लो, निकाल ही रहा हूँ मैं गाड़ी। अच्छा क्या हुआ है? क्या हाँ अच्छा, मैं ना उस टाइम सबके साथ बैठा हुआ इसलिए मैंने कैमरा उधर कर दिया था कि फालतू कोई बकवास ना कर दे, मुझे भरोसा ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं ये तो साथ है, इसने क्या बात करनी है मेरे साथ। भाई मैं बदनाम हुआ पड़ा हूँ, हर कोई मुस्तफा नहीं होता, हर कोई मुस्तफा नहीं होता।
अभी जो है कहीं बाहर जाके कोई रोटी पानी पेट पूजा करने का सोचते हैं। नहीं क्यों, उनकी लेनी है, तुम्हारी तो मैंने कुछ नहीं लेनी। आपका तो नहीं कुछ लेनी तुमने, मैंने तुमने नसवार नहीं लेनी अपनी। निस्वार से एक वाक्या याद आ गया, आप लोगों को तो नहीं मैं बताऊंगा, आप लोग क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इन लोगों को बताऊंगा, इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है इसीलिए। मैंने तो नहीं किया हुआ। फिडेम लख लाना तो ऑनलाइन बेइज्जती हो गई मेरी। भाई ऐसे दोस्त हो ना तो बंदे को दुश्मनों की क्या जरूरत होती है। किया हुआ है ये देखो, मुझे पता है जान, आप टेंशन ना लो, ना जान ना दिखाओ। अच्छा क्या खाना पीना है कोई ये तो बता दो, कुछ खाने पीने का सोचे, कोई पेट पूजा है, हल्का फुल्का खाना है क्या, कोई तगड़ी चीज ये देखो, जान किया हुआ है मुझे पता है, कहते तो अनसब्सक्राइब कर देते। ओए क्या खाना है, तूने क्या खाना है, तुझे भी भूख लग रही थी। मैंने कोई स्ट्रॉन्ग तो चीज़ खानी कोई नहीं, मैं तो मतलब के कोई शेक, कोई आइसक्रीम वही करते हैं। मुझे खुद शुगर क्रेविंग हो रही है। कौन सी क्रेविंग हो रही है? शुगर, स्वीट क्रेविंग। स्वीट क्रेविंग हो रही है। ओए वहीं जाना है, स्वीट क्रीम जाना है या कोई और देखें, कोई कोई और देखते हैं। चलो अभी हम जरा चलते हैं देखते हैं। हां अभी तो मैं कोई के सारे इंपोर्टेड सिगरेट बंद कर दिए। क्यों भाई, बहुत महंगे कर दिए। नहीं सुनने में छापा पड़ा इंपोर्टेड पे, तो उसके स्मगल आए होंगे ये हो सकता है। वैसे चलो अभी हम जरा डिसाइड करते हैं क्या करना हमने। खैर अभी जो है ना सोडा वोडा से आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये पता नहीं ट्रिपल फज कौन सी चॉकलेट डिप क्या खा रहा, मुझे तो खुद भी नहीं पता। मैंने तो सिंपल चॉकलेट चोको डिप जो है ना कप ऑर्डर किया था, और मुश्तबा पत्नी बाहर खड़ा होके क्या कर रहा है, किसी मशरूक से बात करना शुरू हो गया, क्या करना शुरू हो गया। तो अभी अपनी ये खाते हैं, बाद में आपको मिलते हैं। क्या आपकी तो सड़ रही है? मेरी कोई नहीं सड़ रही भाई। खैर भाई अभी बस 7 को मैं ड्रॉप करके आया हूँ, 2 बज गए हैं और यहीं पे 2 बज गए हैं, 1:46 जो है ना हो चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो इस चैनल को मस्त सब्सक्राइब लाइक शेयर बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। फिर कल आपसे एक नई सुबह दिन में मुलाकात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।